नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में क्राइम ब्रांच और थाना लाइन पर पुलिस के द्वारा लूट की घटना का अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट के माल को बरामद किया गया है। आज एसपी सिटी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर और एसओजी व स्क्वाड टीम के द्वारा इस घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर सबूतों के आधार पर घटना का खुलासा किया गया है। इस घटना में वादी द्वारा बताएगा कि साथियों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग की गई थी। वादी प्रज्वल सिंह राणा भारत माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड उज्जैन लिमिटेड की ओर से मुरादाबाद शाखा में नौकरी करता था और समूह का पैसा इकट्ठा करता था। पैसे के लालच में आकर 11 तारीख को पैसे कट करने के बाद अपने साथ ही दूसरों को पहले ही दे दिया था और दो अन्य साथियों को खाली बैग दे दिए थे और लूट का नाटक करते हुए एक बुजुर्ग दुकानदार को नाटकीय रूप से बुजुर्ग को गधा बना लिया था। पुलिस की निष्पक्ष जांच के बाद स्वयं एसपी सिटी जांच का खुलासा करते हुए बादी प्रज्वल सिंह राणा व उसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। थाना लाइन पार से संबंधित है, जिसमें वादी प्रज्वल सिंह राणा के द्वारा सूचना दी गई, जो भारत माइक्रो फाइनेंस के कलेक्शन एजेंट हैं, कि हमारे साथ 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई है और दो अज्ञात बदमाशों ने, जो कि बुलेट मोटरसाइकिल से आए थे, एक परचून की दुकान के पास इनका बैग उन्होंने तमंचा दिखाकर छीन लिया है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी टूंडला, मैं स्वयं और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें एसओजी स्वाट और लाइन पार थाना क्षेत्र की फोर्स मौके पहुंची। उन्होंने गहनता से विवेचना किया इसका और सीडीआर एनालिसिस वगैरह करने के उपरांत इसमें जो खुलासा हुआ चौंकाने वाला था कि वादी ने अपने साथ ये घटना प्रायोजित कराई थी, अपने दो अन्य साथी और अपने एक रिश्तेदार के द्वारा, और इसने पहले ही जो उस दिन का कलेक्शन था 1,54,145 रुपये का, ये अपने एक साथी जो इनके रिश्तेदार हैं उनको पहले ही दे दिया था इन्होंने और पैसा हटा दिया था। खाली बैग जिसमें इनका एक बायोमेट्रिक मशीन थी, एक टैप था और कुछ और सामान था, कागजात वगैरह थे, उसको इन्होंने प्रायोजित करके उस परचून की दुकान पे अपने लूट करा ली अपने साथ ही। बाद में घटना खुलासा हुआ, वादी ने इस घटना को स्वीकार भी किया कि ये उसने ही प्रायोजित कराई थी। इसमें चारों अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके, और जिसमें वादी सम्मिलित है, जेल भेजा जा रहा है। और ये संदेश भी पुलिस साथ में देना चाहेगी कि किसी भी दशा में कोई फर्जी घटना अगर हमारे संज्ञान में आती है तो हम स्वयं वादी को भी जेल भेजने से गुरेज नहीं करेंगे। सर, घटना के पीछे क्या रही जिन्होंने? घटना के पीछे लालच है इनका। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसका 1.5 लाख रुपया लगभग हड़प करना चाहते थे, और जिससे इन्होंने पूरा गेम प्लान बनाया और ये घटना को अंजाम दिया। थैंक यू।